गाइस सब कहते हैं कि मेरे हस्बैंड कहते हैं, मेरे हस्बैंड क्या, सभी के हस्बैंड कहते हैं कि तुम लोग घर में होता क्या है काम। तो गाइस ये देखिए ये काम होता है हमारा, ये दिखाइए जरा इनको, दिखाइए इनको, इनको दिखाइए, ये काम होता है हमारा ये। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। गाइस मैं उठ गई हूँ और ईरा अभी भी सो रही है, लेकिन देखिए आप लोगों से बात करने के दौरान वो भी थोड़ा सा उठ गई है। गाइस आज का प्लान है कुछ करने का, तो देखते हैं क्या करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आप पूरा ब्लॉग देखिएगा गाइस। गुड मॉर्निंग माय बेबी स्माइलिंग। गाइस मेरी बेटी जो है वो कभी भी उठती है तो हंसते हंसते उठती है, ये मेरी बेटी का सबसे अच्छी बात है। गाइस से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एंड देयर इज अ टेडी, लुक बेबी, देयर इज अ टेडी। उसको ये देखिए मेरी बेटी कितनी एक्टिव है, सुबह उठते उठते क्या नाश्ता बनाए, तो नाश्ता बना के फिर नाश्ता करके फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और हम लोग जीरा वाटर पी रहे हैं, इसमें लेमन भी है। ये मेरे पति रोज़ सुबह सुबह बना के देते हैं इसलिए मैं पी लेती हूँ, अगर वो नहीं देंगे तो शायद ये भी नहीं पी पाऊँ। तो ये देखिए ईरा भी सुबह सुबह गर्म पानी पीती है तो उसको पिला रहे हैं, और थोड़ा सा विटामिन डी की कमी है सभी को, विटामिन डी ई ले रहे हैं। गाइस अभी सोच रहे कि पानी वानी पी ले, थोड़ा धूप ले ले, उसके बाद फिर फ्रेश हो जाएंगे सभी के सभी। फिर फ्रेश होने के बाद नाश्ता कर लेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर हम सोच रहे हैं कि कहीं शॉपिंग करने जाएंगे। टाइम अभी वैसे हो रहा है 9 बज रहा है, तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम। हेलो हीरो, क्या हो रहा है बेटा? हीरो प्लेइंग विद आटा। गाइस रोटी बन रहा है, रोटी बनने के बाद हम नाश्ता कर लेंगे, रोटी के साथ जैम वगैरह कुछ भी हम खा लेंगे, क्योंकि इसके पापा बोल रहे हैं कि अभी हम डाइट पे हैं तो कुछ ऑयली कम खाओ। तो गाइस ये देखिए थोड़ा सा इनको भी दिखाइए, मैडम हमारी ये जो है ये हमारे साथ ही रहेंगी। इरु व्हाट आर यू डूइंग, यू आर वेस्टिंग वाटर। गाइस ये बहुत बदमाश हो गई है, ना मुझे रोटी बनाने दे रही ना कुछ करने दे रही है, इस बहुत रो रही थी इसलिए मैंने इसको ऊपर बिठा दिया, ऊपर बिठाने के बाद ये आटा पूरा फैला रही है। देखिए मैंने रोटी के पास कुछ छेद हो गया, नहीं खुलेगा कोई तो काम ढंग से कर लो। कोई नहीं नेक्स्ट फुल आके दिखाते हैं, नेक्स्ट वाला फुल जाएगा। देखिए ये देखिए मेरा रोटी है, ये फुलने वाला, देखिए हो गया ना। जैसा हमारे पति कहते हैं कि इन्हें कुछ काम नहीं आता है, और हम लोग जैसे लव मैरिज है तो लव मैरिज वालों को और कुछ काम नहीं आता। तो गाइस ये देखिए मेरी रोटी फुलने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा अपनी वाइफ को भी कि लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ नहीं होता, रोटी रोटी होता है। तो गाइस सब कहते हैं कि मेरे हस्बैंड कहते हैं, मेरे हस्बैंड क्या, सभी के हस्बैंड कहते हैं कि तुम लोग घर में होता क्या है काम। तो गाइस ये देखिए ये काम होता है हमारा, ये दिखाइए जरा इनको, दिखाइए इनको, इनको दिखाइए, ये काम होता है हमारा ये। तो गाइस बस अब रोटी बना के मिलते हैं आपसे, बाय बाय। पड़ गया अकेले करना पड़ेगा, और इधर मैडम अलग मुझे परेशान कर रही है, वो देखिए वो देखिए देखिए उन्होंने क्या कारनामा किया, देखिए 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 गो अवे। देखिए ये लड़की इतनी बदमाश है ना, हे डोंट टच, डोंट टच, बहुत बदमाश है लड़की। पापा के साथ एकदम प्यार से गाइस सब्जी बना रही हूँ मैं अब, इसके पापा जा आज उनका ड्यूटी नहीं था लेकिन अभी उनको ड्यूटी जाना पड़ा,
तो गाइज़ ये ईरा बहुत परेशान कर रही है, देखिए पूरा मसाला गिराने वाली है गाइज, इसको तो मैं अभी बहुत मारूंगी बहुत। मम्मा स्लैप यू अ लॉट। क्यों? नो क्यों? चे बाय 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 बाय। तो गाइज ईरू बहुत परेशान कर रही है, और ये मैंने सब्जी काट लिया है, तो आलू सेम का सब्जी बना रहे हैं, आलू बैंगन सेम पकाने वाली मेन। जब मेरी मम्मी बनाती थी तब यही बोलती थी। तो गाइज सबका मुझे अकेले करना है, ये मेरा बहुत अच्छा दिन नहीं है गाइज। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, कहाँ से क्या करूँ। तो पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ, सब्जी बनाने के बाद फिर थोड़ा सा घर क्लीन कर लूँगी, घर क्लीन करने के बाद ईरू को साफ करूँगी, ईरू को साफ करने के बाद फिर चाय नहीं 110% कंफर्म कि वो सो जाएगी। ईरू आप सो जाओगे ना बेटा? ये क्या यही है? यही है यही नॉटी गर्ल। तक तक बेटू व्हाट इज दिस? तो हे गाइस, मैंने सब्जी कंप्लीट कर लिया है, और सब्जी कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कपड़े हैं तो कपड़े धो लूंगी, कपड़े धोने के बाद फटाफट रेडी होके अगर शॉपिंग जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो फिर देखते क्या करते हैं, लेकिन शॉपिंग जाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये अचानक इनकी ड्यूटी लग गई ना तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया गाइस। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ईरा क्या कर रही है, ईरा बहुत मस्ती। व्हाट आर यू डूइंग बेबी? यू आर मेकिंग टी फॉर मामा? यू आर मेकिंग टी बेबी? यू आर मेकिंग टी? तो गाइज़ ये है बाहर का मौसम, बहुत ही ज़्यादा धूप है, और ये हमने कपड़े पूरे डाल रखे हैं, कल मैंने कपड़े धोए थे वो डाले हुए हैं, अब इनको भी उठा के फोल्ड करना है। बस ये देखिए पूरा बेड, बेड अभी नहीं लगा है, बेड को भी लगाना होगा, तो बेड लगाती हूँ। तो गाइज़ ईरा को मैंने सुला दिया है, दिखाती हूँ आपको, ईरा हमारी रेडी हो गई है और उसको मैंने सुला दिया है। सोच रही हूँ कुछ कपड़े हैं वो धो लूँ, और कपड़े धोने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, और कपड़े धोने के बाद नहा लूँगी, उसके बाद फिर रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि इसके डैडी तो शाम को 6 बजे आने वाले हैं, तो दोपहर का लंच तो करेंगे नहीं, अब शायद वो अभी 1 बजे गए थे तो लंच करके ही गए थे। तो गाइज कपड़े धो लेती हूँ, नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मैं नहा के निकल गई हूँ, और नहा के निकलने के बाद मुझे एक सरप्राइज मिला, वो है ईरा मैडम। ईरा मैडम भी सो के उठ गई है, तो अब पॉसिबल नहीं है कि मैं आराम कर सकूं। तो गाइस हम लोग दोनों मस्ती करेंगे अब, पर मस्ती करने से पहले मुझे आज बाल झाड़ना है, जो कि मेरे बाल का हाल आप देखिए, ये देखिए ये देखिए इतने उलझे हुए हैं मेरे बाल, इसको सुलझाने गाइस सुलझाने, बाल सुलझाने का कोई आसान तरीका मुझे आप बताएंगे तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे बाल झाड़ने में उतना ही आलस लगता है। और हीरो व्हाट आर यू डूइंग? तो गाइस मैं बाल कंघी करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरे बाल कितना सिल्की और सुलझ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये 1 घंटे की मशक्कत है जिसमें बाल मेरा इतना सुलझा है, और इतना इतना बाल गिर रहा है, क्या बताऊँ। तो गाइज कुछ मेरे बाल के लिए आप लोग टिप्स दीजिए कि मैं इसको कैसे इतना उलझने ना दूँ, और उलझने के बाद इसको सुलझाऊँ कैसे इतना जल्दी, क्योंकि मेरी बेटी भी आ गई है। बुट्टू आपको भी पूछना है कुछ? पूछो। बाय जय श्री राम। तो गाइज अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ, अभी बज गए शाम के 4:30, और 4:30 बजे मैं जाके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, और मार्केट जाना कैंसिल हो गया क्योंकि टाइम ही नहीं था, और बिकॉज सम बहुत सारे रीज़न थे इसलिए नहीं जा पाए, और देखते कल निकलते हैं मार्केट, शाम को देखते क्या करते हैं। अभी भी ईरू के डैडी नहीं आए हैं, तो ईरू के डैडी जब आएंगे तो देखेंगे मेरे सुनहरे सुनहरे बाल, तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहता है आज मेरे बालों को देख के।
या आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ये रही इरा, इरा भी पूछ रही है अपने, इरा के तो बाल वैसे ही बहुत खूबसूरत है। तो गाइस अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। इरू के डैडी अभी नहीं आए हैं और इरू के डैडी आ जाएंगे थोड़ी देर में, जब अगर वो आ जाते हैं 6 बजे करीब रहने वाले थे आएंगे, तो फिर हम लोग प्लान करते हैं शाम को घूमने जाने का, क्योंकि मार्केट जाना कैंसिल हो गया ड्यू टू सम रीजन। तो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस हम दोनों बोर हो रहे हैं, इरन मी दादा पापा को मीटिंग। इरा बहुत तेज तेज कूद रही है गाइस, देखिए। तो हम दोनों वेट कर रहे हैं इरू के डैडी का, और यहाँ बहुत ठंड है। तो गाइस क्या बोले, मिस कर रहे हैं इसके डैडी को, क्योंकि आज हम लोग बहुत दिन बाद, मतलब वन मंथ नहीं, लगभग 60 डेज के बाद आज वो ड्यूटी गए हैं, और हम मतलब एक दूसरे का टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये 5 घंटा मतलब बहुत लंबा खिंच गया, ऐसा लग रहा है कि बाप रे कब गए थे, अभी कब आएंगे कब आएंगे। इरू भी मिस कर रही है, बार बार बाहर गैलरी में देख रही है और सभी को, और दूसरे दूसरे को बोले पापा पापा इरू पापा। गाइस ये मस्ती मूड में है पूरे। तो गाइस कपड़े डालना भूल गई थी, अभी मैंने कपड़े डाले। तो अब शाम भी हो गया है, लगभग 6 बजने वाला, लेकिन अभी तक इरू के डैडी नहीं आए। वी आर वेटिंग कि वो कब आएंगे। गाइस मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, अभी सभी अपने अपने घर में चले गए, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है, बच्चे खेल रहे हैं। पर मैं भी सोच रही थोड़ा शाम को इवनिंग में घूम के आऊँ। ये रही एक बच्ची। तो हमारी इरू कहाँ है भाई? इरू इरू कोई ख़तरनाक मिशन में होगी। गाइस ये रही Iru, what are you doing, beta? Welcome back to my YouTube channel. ये हमारे रात को प्रिपरेशन चल रहा है आग लगाने का, लोगों की जिंदगी में लोगों की जिंदगी में आग लगाने का नहीं नहीं लोगों की जिंदगी में नहीं, ये हम आग तापने वाले हैं अभी। ये देखिए ये हमारा आरू का बॉटल में तेल भी है, क्योंकि इरो थोड़ी देर बाद पी जाएगी अगर कोई नहीं देखेगा तो। गाइस मिलते हैं आग लगने के बाद। तो गाइस यहाँ आग लग चुका है, बहुत ही मेहनती लोग हैं, बहुत ही मेहनती लोगों ने आग लगा दिया मेरी। तो गाइस ये बच्चे भी सेक रहे हैं। थैंक यू, आप सभी का आभार है कि आप लोगों ने आग लगा दिया। और ये चप्पल भी यहाँ पे हम लोग को मिला है, ये कहीं से उठा के लेके आया किसी का चप्पल। गाड़ी वाला यार कचरा निकाल।